हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फ्राई राइस बनाने जा रही हूँ। आइए देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने पहले ही पानी गर्म करने दे दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और कुछ खड़े मसाले भी ऐड करूँगी। मैं इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस बनाने के लिए बासमती चावल का यूज़ किया है। मैंने इसमें सारा चावल दे दिया है। इसमें बॉयल आने तक वेट करूँगी। चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, 70-80% तक ही पकाना है। चावल में बॉईल आ चुका है लेकिन ये अभी तक पका नहीं है, इसे और अच्छे से पकाना होगा। मेरे चावल पक चुके हैं, मैं इसमें से अब पानी निकाल लूँगी। मैंने चावल से पानी निकाल कर थाली में इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। मैं सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करूँगी। मेरा तेल गरम हो गया है, मैं अब इसमें प्याज डालूंगी। थोड़ा सा गाजर ऐड करूंगी, शिमला मिर्च, बीन्स, ज़्यादा नहीं हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसमें अब स्वाद के लिए बिरयानी मसाला ऐड करूंगी। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मेरे फ्राइड राइस बन चुके हैं, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी। ये मेरा फ्राइड राइस बन चुका है।